आज पूर्ण रूप से काबिज हो चुके हैं। आज देश केवल दो तीन लोगों के हाथ में चला गया, अंबानी जी के, अडानी जी के, जिन्होंने इस देश को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब नए सिरे से कैसे इस देश को इनके चुंगल से बचाया जाए, इसके लिए क्योंकि अभी चार पांच जगह स्टेटों में अलग अलग चुनाव हैं, अलग अलग चुनाव हैं अलग अलग प्रदेश में, तो हमने हरियाणा के अंदर आपस में मिलकर के विधानसभा का चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि हम इस विधानसभा के चुनाव के अंदर लोगों की इच्छा के अनुरूप, आज आम आदमी की भावना है कि भारतीय जनता पार्टी जो 10 साल से इस प्रदेश को लूटती है उसको सत्ता से बाहर किया जाए, और कांग्रेस पार्टी जिसने पहले 10 साल इस प्रदेश को लूटने का काम किया है उसको सत्ता से दूर रखा जाए। इसलिए हमने आपस में यह फैसला किया कि ना केवल बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी दोनों मिलकर के विधानसभा का चुनाव लड़े, बल्कि और अन्य जो हरियाणा के अंदर जिन्होंने अपने अपने राजनीतिक दल बना रखे हैं, जो भाजपा और कांग्रेस दोनों के अगेंस्ट है, दोनों के खिलाफ हैं, हम उन लोगों को भी अपने साथ लेकर के एक फ्रंट खड़ा करेंगे जिसमें लोगों का और ज्यादा विश्वास बढ़ेगा और आने वाले समय में गठबंधन की सरकार इस प्रदेश के अंदर बनेगी, इस बात का मुझे पूर्ण विश्वास और भरोसा है।